कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जशोधपुर और हल्दुखाता में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने बोक्सा जनजाति समाज के लोगों की सुविधा सुरक्षा और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जनता दरबार का आयोजन किया। आयोजित जनता दरबार के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने जनता की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को मौके पर ही समस्या के निवारण के जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य बोक्सा जनजाति समाज के लोगों की समस्याओं का निवारण करना है और सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से अवगत कराना है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि जनजाति समूहों को अपनी विशिष्ट संस्कृति के साथ ही आधुनिकता के दौर में भी प्रवेश करना होगा, जिससे विकास की किरण जनजाति समुदाय तक पहुंच सके। कोटद्वार से राजेंद्र खंतेवाल की रिपोर्ट। की अध्यक्षता में पूरा कार्यक्रम हुआ और पेंशन से लेकर रोड से लेकर पानी से बिजली से लेकर हर एक समस्या, कृषि हो, पशुपालन हो, सब समस्याओं को सुना गया और कुछ का निवारण भी हुआ। और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे जो ये 1175 परिवार यहाँ रहता है उनको हम पूरी तरह से उनकी सुविधा दे पाएंगे। मैं घर में, गाँव में कई उनके घर भी मैंने देखे हैं। काफ़ी समस्या है घरों को लेकर, घर बने हैं लेकिन छतें टपक रही है, टूटी हुई। तो हमारा प्रयास ये है कि पूरी तरह से सर्वे करके जिस तरह से भी हम इनके जीवन में विकास ला सकते हैं वो प्रयास हम लोगों ने आज किया है और इस तरह की चीज़ें लगातार होती रहेंगी। साथ ही साथ अफसरों को निर्देशित किया है कि समाज कल्याण का जल्दी से यहाँ पर एक कैंप अगले हफ्ते लगाया जाए ताकि